अपने मालिक को भूल गए? देखा देखा, हमने 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 कहा था आपके हाथों कि हमने इसके मालिक को बुलवाया है। अब ये अकेला नहीं रहेगा। या अल्लाह, नाजुक था कि ऊपर वाला देर सवेर हिसाब जरूर करता है। आज देख के लिया। अकबर मियां, आप ही जानते, आपको देखकर हम कितने खुश हुए। कि मैं आप तीनों को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं। इस दुनिया में जब कोई मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट की वजह आप तीनों ही होते हैं। आपका वतन, आपकी आवाम बेहद तकलीफ में है। बगदाद को आपकी जरूरत है सुल्ताना। सुल्ताना? सही खेल गए। मैं बेचारा खुशी के मारे घूमने में चला गया। खुशी कह रहे? अकबर मियाँ, आपके साथ जो हुआ है ना वो हमारे रहते अब किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं। और जिसने भी आपका हाथ काटा है ना वो जालिम सुल्तान, अगर वो यहाँ होता ना तो हम उसे भी नहीं छोड़ते। क्यों जिनू? हाँ, इस बात को हुए कितने अरसे हो गए, अब तक तो वो सुल्तान गुजर गए होंगे। वो जिंदा है, जिंदा है। अठारह बरस पहले बगदाद रातों रात बदल गया था। किसी ने इस मुल्क की खुशियां छीन कर इतनी किस्मत में जुल्म और दहशत लिख दी थी। इन ऊपर वाले का करिश्मा देखिए। आप आ गई, खुशियां भी आ जाएंगी। तब कई लोग एक नई जिंदगी की तलाश में इस मुल्क को छोड़कर गए थे। उन्हीं में से किसी एक ने मुझे ये दी थी। शमशीर? पहचाना? ये किसकी तलवार है? आप ही की है सुल्ताना। ओहो, इनका नाम सुल्ताना नहीं है, चोरनी चोरनी यासमीन, हमारी दोस्त है, हमारी दोस्त। आप हमें हमें जैसे सुल्ताना बोला वैसे हमें। मेरा मतलब था मैं। आप मुझे कुछ और बता सकते हैं? तो
इतनी तेज से सफा कैसे लगी? ये हवा नहीं तूफान है, अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, आप लोग निकलिए यहाँ से, निकलिए जल्दी। आने वफादार हो, नए गद्दार मत बनो। मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए यहाँ बुलाया, ना कि अपने राज खोलने के लिए। चलो जल्दी चलो। लेकिन आपने अपनी बात पूरी नहीं कही अभी तक। अलादीन, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ हाथ वापस मिला है। मैं भी ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ कल वापस मिल जाए। आप कितनी गोल मटोल बातें करते, एक सीधा जवाब दीजिए ना कि कौन है वो जालिम सुल्तान जिसने आपका हाथ काटा। हम उसे सजा दिलाएंगे क्योंकि हमें यकीन है कि सुल्तान जफर आपके साथ इंसाफ जरूर करेंगे। जल्दी बताइए। ठीक है, सुनो, उस जालिम का नाम, उस जालिम का नाम है। अरे ठीक है, चले गए, वो हमें उसका नाम बताने ही वाले थे। आका, जल्दी यहाँ से निकलिए, ये तूफान बहुत खतरनाक है। निकम्मे शहजादे, क्या कर रहे हो? चल लो। तफा नहीं, शैतान सच्चा यार तफर। हम हैं अय्यार सफर। पिछली बार हमने तुम्हें सजा दी थी, इस बार एहसान दे रहे हैं। दफा हो जाओ यहां से, दोबारा कभी लौटने की सोचना तक नहीं। अरे उन तीनों को कैसे संभालेगा जिसे किस्मत ने लौटाया है? जिनू, सुल्ताना और अलादीन। जो काम अधूरा रह गया था ना, वो अब पूरा होगा जफर। पिछली मर्तबा हमने तुम्हारा हाथ काटा था, इस मर्तबा तुम्हारी गर्दन काटेंगे। दूसरी पहेली भी उलझ गई, वो नया अलादीन हमारे लिए काला चिराग लेकर आएगा। पुराना अलादीन हमारा दुश्मन था, लेकिन ये नया अलादीन हमारे हाथों की कठपुतली होगा। हमारे एक इशारे पर वो दुनिया को बर्बाद करने वाला काला चिराग हमें ला कर देगा। जीते मेरे आका, जीते जीते मेरे आका। लका लका दुम दुम लका लका, डूबे दुश्मन आहों में, फूल बिछे हैं राहों में, जी करता है भर लूं आका को अपनी बाहों में। सलाम सलाम। जान बचाने के लिए शुक्रिया। जान तो जंगल की वजह से बची, पर हम ये बात किसी को बता नहीं सकते। आका, कोई तो बहादुर शख्स मुसीबत में अपनी बहन और अपनी टोली को छोड़ के भाग गया। क्या? ऐसा कौन करेगा? वही जिसे अपनी जान ज्यादा प्यारी होगी अपनी बहन और अपनी टोली से। शैतान, शिफान। शैतान शैतान, हमारा मतलब है शिफान शिफान। तुम जानते हो कौन है वो? खैर छोड़ो छोड़ो। शहजादे, तीसरी पहेली भी आप ही जीतेंगे,
और महजबीन का उड़ता लालटेन भी आप ही लेके आएंगे। ये नहीं तो यू वो खड़ूस कहाँ है? वो तो सुबह से नजर नहीं आई, हम देख कर आते। यस्मीन, अपुन सच बोलेगी, आज मक्खन मलाई ने तेरी जान बचाई। हाँ तो शुक्रिया बोल तो दिया। अरे अरे शुक्रिया कोई रोकड़ा थोड़ी है जो खत्म हो जाएगा, एक और बोल दे। निकम्मे मेरा मतलब है शहजादे, जान बचाने के लिए शुक्रिया। वैसे अगर मैंने पहले ही तुम पर यकीन कर लिया होता तो शायद इतनी गड़बड़ होती ही नहीं। मतलब तुम्हें अब हम पर यकीन है? यकीन का तो पता नहीं, लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी बात पूरी सुने बिना तुम पर शक नहीं करूंगी। तुम बदल रहे हो शहजादे, मुझे पता है। सुल्तान तुम्हें ऐसे देखते ना तो बहुत खुश होते। हमारे अब्बू हमारे बारे में क्या सोचते हैं? ये मैं एक चोरनी से जानने की जरूरत नहीं। पता नहीं मैं क्या सोच के यहाँ तुमसे बात करने आ गई। मत आना। हाँ आने भी नहीं वाली। दोनों येड़े हैं। वैसे तुम अपने आप को समझते क्या? सबसे बेहतर। अरे चोरनी, बस करो। अरे? आज आका ने खुद अपनी मेहनत से अपनी अपनी जान पे खेल के हम सबको बचाया, तुम्हें बचाया है, हमारी टोली को जिताया है, कम से कम आज तुम मत लड़ो। यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो। शहजादी ने दूसरी पहेली सुलझा ली है। जिस बात का डर था वही होगा। बड़े उस्ताद सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो सबके सामने एक ऐलान भी करना है। आपके शागिर्द ने आपके बेटे ने दूसरी पहेली भी सुलझा दी, अब तो हमें मान गई ना अम्मी। बड़ी उस्ताद इन्होंने बहुत ही हिम्मत से दूसरे पड़ाव को पार किया है। जी बड़ी उस्ताद, इसने मेरी कोयल की और जीनू की जान भी बचाई। आप हमें दूसरी जीत की निशानी नहीं देंगी अम्मी? नहीं है समझे? समझ नहीं आता कि कोई इतना दिलकश कैसे हो सकता है। आदाब आदाब, हम पहले से ही खुश थे, तुम्हारे आने से हमारी खुशी दोगुनी हो गई। और ये इतना खुश है क्यों? कहीं इसे अलादीन की दूसरी जीत का पता तो नहीं चल गया? कहीं जो रुखसार बेगम ने बताया वो मदद करने वाला यही तो नहीं? आप खुश तो आपकी मैं हूँ खुश।
पर क्या हम इस खुशी की वजह जान सकते हैं? अब कहीं आपने शहजादे की मदद को नहीं कर दी? इंसान अपनी मदद खुद करता है। बहरहाल हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमें हमारी मंजिल साफ नजर आ रही है। अब साफ नजर आ रही है। अगर इसने मदद नहीं की है तो लेकिन कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रहा है। सच छुपाने वाले झूठ धोखेबाज लड़के के साथ हमारा कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। रुको, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम बेईमानी से जीते हो? हमारी तरफ देखकर बात करो। क्या इन पहेलियों को सुलझाने के लिए तुमने किसी की मदद ली है? तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम धोखेबाजी करते रहोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? आका, चुप क्यों है? बताइए ना इन्हें, क्या आपने मेरी मदद नहीं ली, मेरे जादू की मदद नहीं ली और आपने हम सबको बचाया है? बड़े उस्ताद, आप इन पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? कोयल, तुम इस लड़के के लिए मुझसे सवाल कर रही हो? पर अब सवाल कर ही लिया है तो जवाब भी सुन लो। शिफान ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम किसी और से मदद लेते हुए। बड़ी उस्ताद जी, मैं शिकायत तो नहीं करना चाहता पर सच कहना भी जरूरी है। शहजादा मुकाबले में बेईमानी कर रहा है। क्या ये सच है? पर इस लिहाज से तो शिफान भी बेईमान हुआ, उसके लिए भी तो कोई सुराग छोड़ रहा था। मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। क्या तुम मानते हो तुमने गलती की है? इस तालीम घर के बहुत से कायदे हैं पर सबसे बड़ा कायदा है सच। सच और आज तुमने वो कायदा तोड़ दिया। सुल्तान तुम्हारे बारे में गलत थे, हम सही थे। तुम सबसे अव्वल शागिर्द तो क्या, तुम तो शागिर्द बनने के लायक ही नहीं हो। और हमारे शागिर्द बिल्कुल नहीं। आज अगर शहजादे नहीं होते तो हम सब अपने हाथ गवा बैठते। मान लिया, हमने तुम्हारी बात को मान लिया, पर फिर पहली पहेली सुलझाने के लिए बेईमानी करने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन उसमें भी तो इन्होंने एक रूह को आजाद किया। माना इनका तरीका गलत था लेकिन क्या ख्याल तो नेक था ना? झूठ का तरीका सिर्फ गलत होता है, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। पर बड़ी उस्ताद, यस्मीन,
हमसे गलती हुई है, इसके लिए आप हमें कोई भी सजा दे सकती हैं अम्मी। हमारा मतलब है बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद। तुम्हारी सजा, आज के बाद तुम हमारे तालीम घर में कदम नहीं रखोगे। चले जाओ यहां से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.